इस प्रोग्राम में हम ऑड और इवन फाइंड करेंगे। ऑड और इवन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर ज़ीरो तो नहीं है, तो हम कंडीशन लेते हैं। उसके लिए हमारे को एक वेरिएबल भी लेना होगा, तो हमने एक वेरिएबल लिया एन, और इस नंबर एक नंबर इनपुट करवा लेते हैं। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर एनी नंबर, और फिर scanf फंक्शन इनपुट कराने के लिए। अब हम यहाँ एक इफ लूप से चेक करा लेते हैं कि नंबर एक ज़ीरो तो नहीं है, तो नॉट, ये नॉट का साइन है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले सबसे पहले ये चेक कराया, अगर नंबर ज़ीरो है तो else कंडीशन में आ जाएगा, और हम यहाँ else कंडीशन पहले ही प्रिंट करा देते हैं। नंबर इज ज़ीरो, अब अगर नंबर ज़ीरो नहीं है तो ये लूप के अंदर आएगा, इफ लूप के अंदर आएगा, और यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करा लेते हैं, इफ़ एन मॉड बाय टू। मॉड बाय टू क्यों किया, क्योंकि इवन नंबर निकालने के लिए टू से हम डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो इवन है। तो यहाँ पे मॉड हम इसलिए करते हैं क्योंकि मॉड रिमाइंडर देता है, मॉड मतलब परसेंटेज का साइन है यहाँ पे। तो इफ़ एन मॉड बाय टू इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे डबल इक्वल टू करने की कंपैरिजन के लिए, तो प्रिंट एफ नंबर इज इवन। और एल्स में क्या हो जाएगा, नंबर इज ऑड। ठीक है, सबसे पहले नंबर इनपुट होगा, प्रिंट एफ एंटर एन नंबर, फिर इनपुट होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी कि एन ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो ही इनपुट, तो ही इस ब्लॉक के अंदर आएगा। और यहाँ पे फिर एक और कंडीशन चेक हो रही है कि एन मॉड बाय टू इक्वल्स टू ज़ीरो है तो नंबर इज़ इवन, एल्स में नंबर आउट हो जाएगा। और अगर पहले ही आउटर कंडीशन ही एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही फॉल्स हो गई, यानी कि एन ज़ीरो है, तो नंबर इज़ ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, हम सबसे पहले ज़ीरो ही चेक करा लेते हैं, नंबर इज़ ज़ीरो। दूसरी कंडीशन, सिक्स इनपुट किया तो नंबर इज़ इवन। और एक बार हम ऑड नंबर चेक करा लेते हैं, नंबर इज़ ऑड। तो ये तीनों ही कंडीशन चेक कर ली हमने।